पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस अपने लिक्विडिटी पूल्स को अभी खाली कर रहा है, यानी कि यहाँ से कुछ पेयर्स रिमूव किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ बाकी ट्रेडिंग पेयर्स हैं उनको भी रिमूव किया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक्चुअल में जो यूएस का SEC है और इसी के साथ जो CFTC है उनको लॉसूट चल रहे हैं, कई सारे रेगुलेटरी चैलेंजेस मीट करने पड़ रहे हैं बाइनेंस को, यानी कि बाइनेंस के ऊपर कई सारे ऐसे केस चल रहे हैं जिसकी वजह से बाइनेंस के ऊपर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है और इसी के साथ लिक्विडिटी भी कम होती जा रही है, और जिस कारण इनको अभी धीरे धीरे अपने जो पूल्स हैं वो भी रिमूव करने पड़ रहे हैं। आज के हमारे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पूल्स कम हो रहे हैं या फिर कौन से पेयर्स रिमूव किए जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो आपको शायद किसी ने भी पहले नहीं बताया होगा कि लिक्विडिटी पूल्स होता क्या है, यानी कि इसमें अर्निंग कैसे होती है। तो आसान भाषा में आपको मैं इसकी भी डिटेल दे दूंगा, इसी के साथ आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं लिक्विडिटी पूल्स के द्वारा वो भी आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी भी बाइनेंस के ऊपर कुछ ना कुछ लिक्विडिटी पूल्स अवेलेबल हैं या फिर बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस करने वाले हैं वो ये कि या तो BUSD डीपेग हो सकते हैं या फिर जो BNB है, आप देख पा रहे हैं कि अभी $210 के आसपास चल रहे हैं, ऑलरेडी मार्केट डाउन चल रही है जिसकी वजह से प्राइस पहले ही कम आ चुका है, लेकिन बाइनेंस के ऊपर जितने ज़्यादा केस चल रहे हैं लॉसूट चल रहे हैं इसकी वजह से BNB की वैल्यू और भी ज़्यादा नीचे गिर सकती है। तो हर एक चीज़ मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पे मैं सारी अपडेट सबसे पहले डालता रहता हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि लिक्विडिटी पूल्स क्या होता है। तो बाइनेंस के ऊपर कई सारे लिक्विडिटी पूल्स हैं, एक्चुअल में जितने भी डिफाइस हैं उनके ऊपर लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, यानी कि हम जितना पैसा डालते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बैंक के ऊपर जो भी पैसा रखा हुआ है वो पैसा वहीं नहीं रहता, बैंक उसी पैसे को यूज करके आगे किसी को लोन देता है और उसी लोन के ऊपर बैंक तो अपना इंटरेस्ट कमाता ही कमाता है और उसमें से कुछ ना कुछ थोड़ा सा हिस्सा हमें भी दे देता है। तो इसी तरीके से कई सारे जो डिफाई हैं या फिर डेक्स हैं वो अपनी खुद से अलग से अर्निंग करते हैं हमारे ही पैसे से, लेकिन जो डिफाई है यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है या फिर बाइनेंस के जैसे कि लिक्विडिटी पूल्स हैं, इनके ऊपर हमें सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि इसके ऊपर हमें परसेंटेज अच्छी खासी मिल जाती है जो शायद कभी बैंक्स प्रोवाइड नहीं कर पाते। जैसे कि आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं मैंने लिक्विडिटी पूल्स खोले हुए हैं, यहाँ पे BTC का लिक्विडिटी पूल है, XRP USDT का है, XRP ETH का, XRP BNB का, यानी कि कई सारे अलग अलग पेयर्स होते हैं, हर एक कॉइन का अलग अलग कॉइन के साथ एक पेयर होता है और उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलती है। जैसे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या दिया हुआ है, 1.7% का यील्ड यहाँ पे बताया गया है, यानी कि इतना ज़्यादा यील्ड हम इसके ऊपर अर्न कर सकते हैं। तो ऐसे ही कई सारे पूल्स अवेलेबल हैं, जितने भी पेयर्स पहले अवेलेबल हैं उनके ऊपर तो आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करके अर्निंग तो कर ही सकते हैं, लेकिन अभी बुरी जो अपडेट आ रही है वो यही आ रही है कि बाइनेंस के ऊपर लिक्विडिटी कम होने की वजह से इनको कुछ ना कुछ जो पूल्स हैं वो बंद करने पड़ रहे हैं, और पूल्स जनरली वही बंद होते हैं जिनके ऊपर लिक्विडिटी कम होती है, और यहाँ पे जितने भी पेयर्स हैं लगभग BNB सबसे ज़्यादा है, BNB और BUSD, इसी के साथ बाकी जो कुछ और हैं वो है USDT और BTC के भी पेयर हैं। तो मेन जो पेयर्स हैं वो आपको बता देता हूँ, जैसे कि ADA है, ADA BNB का है, एप, आवे, एवेक्स, BTC TUSD, CHZ, CTC का है, डॉट का है, इंजन कॉइन का, फिल, फ्रंट, गाला, यानी कि सारे फेमस कॉइन जिनमें हम ऑलरेडी इन्वेस्ट करते ही हैं, जैसे कि यहाँ पे TRX भी दिया गया, TRX BNB का पेयर, TRX ETH का पेयर, यानी कि पॉपुलर पेयर्स यहाँ पे जो हैं वो धीरे धीरे रिमूव किए जा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सारे पेयर्स इकट्ठे रिमूव होते हैं, जैसे कि हम TRX BNB की बात कर रहे हैं, TRX ETH की बात कर रहे हैं, लेकिन TRX USDT जो होगा या फिर TRX BUSD होगा वो रिमूव शायद नहीं हो रहा होगा। तो ऐसे कई सारे पेयर्स होते हैं जो रिमूव किए जाते हैं, और रिमूव वही होते हैं जिनमें लिक्विडिटी कम हो जाती है, और अभी बाइनेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही फेस कर रहा है कि इसके ऊपर लोग ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं, लोगों ने धीरे धीरे बाइनेंस को छोड़ना शुरू कर दिया, जब से क्या है कि US का जो SEC है और CFTC है उन्होंने कुछ ना कुछ रेगुलेटरी लॉसूट्स किए हैं बाइनेंस के ऊपर। लेकिन एक सबसे बड़ी अपडेट जो आ रही है बाइनेंस की तरफ से वो ये है कि ये जीरो फी बिटकॉइन ट्रेडिंग फॉर BTC TSD पेयर जो कि पहले दिया जा रहा था वो अभी भी अवेलेबल है, लेकिन चांसेस ये बन रहे हैं कि इसके ऊपर भी जो जीरो फी था इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ फी लगनी शुरू हो जाएगी, जिससे क्या कि ट्रेडिंग वॉल्यूम और भी ज़्यादा नीचे गिर सकता है। बाकी एक्सचेंजेस की बात करें तो वहाँ 90% ट्रेडिंग वॉल्यूम इसलिए नीचे गिरा है, जैसे कि हम वजीरएक्स की बात कर लेते हैं या फिर इंडियन एक्सचेंजेस के साथ साथ बाकी जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं उनकी भी बात कर लें तो उनके ऊपर सिर्फ इसीलिए ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम नीचे गिरा है क्योंकि वहाँ पर या तो TDS लग रहा है या फिर फीस भी बहुत ज़्यादा ली जा रही है। अब हर कोई जो ट्रेडर है वो हमेशा सोचता है कि फीस कम से कम देनी पड़े क्योंकि फीस के रूप में बहुत बड़ा हिस्सा एक्सचेंज के पास चला जाता है। अब लगभग 39 पेयर्स रिमूव किए जा रहे हैं जो कि लिक्विडिटी पूल से किए जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो ट्रेडिंग पेयर्स हैं वो भी हमें रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलता है कि ट्रेडिंग पेयर्स भी रिमूव किए जाते हैं, जिससे क्या कि बाइनेंस के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है सभी ट्रेडर्स का वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब इसी के साथ एक चीज़ अच्छी भी दी है बाइनेंस ने, वो ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल एसेट्स हैं
वो बाइनेंस को देने की जगह अभी ये कस्टडी देने वाले हैं मिरर एक्स को। यानी कि हम ट्रेडिंग तो कर ही पाएंगे हमारे एसेट्स के ऊपर, लेकिन ये अमाउंट रहने वाला है मिरर एक्स के पास। ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने वाला है हमारे सभी एसेट्स को। लेकिन ये जो एक्सेस मिलने वाली है, ये बाइनेंस के वीआईपी और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को मिलने वाली है, जो कि मिरर एक्स को एक्सेस कर पाएंगे। इससे क्या कि ऑफ एक्सचेंज सेटलमेंट सॉल्यूशन दिया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि सारे के सारे एसेट्स एक्सचेंज के ऊपर ही पड़े हैं और वहीं पे सेटलमेंट करी जा रही है। इससे एक एक्स्ट्रा सिक्योर गेटवे ऐड हो जाता है, जिससे जो एक्सचेंज है और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाती है और इससे वॉल्यूम्स भी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं बाइनेंस के ऊपर। आप यहाँ पे सामने एक चार्ट भी देख सकते हैं, जिसमें आपको दिखाया गया क्लाइंट पेरेंट अकाउंट, यानी कि हमारा जो अकाउंट है उसकी कस्टडी दी जा रही है थर्ड पार्टी कस्टोडियन सब अकाउंट, इसमें दी जा रही है। और नेट सेटलमेंट यहाँ पे करी जा रही है टी प्लस वन के बेसिस पर। अमाउंट जा रहा है कस्टोडियन वॉलेट में, कस्टोडियन वॉलेट में अलग अलग वहाँ पे आगे कुछ क्लाइंट्स के वॉलेट्स दिए गए, क्लाइंट ए क्लाइंट बी, यानी कि क्लाइंट के बेसिस पर यहाँ पे वॉलेट्स दिए गए। यानी कि 1:1 के रेशियो में ये रहने वाला है। हमें जो ट्रेडिंग करने के लिए सामने अमाउंट मिलेगा वो उतना ही मिलेगा, लेकिन ऑफ एक्सचेंज ये जो हमारे एसेट्स हैं इनको रखा जाएगा सेफू के ऊपर। सेफू बोल सकते हैं, या फिर जो कि मिरर एक्स के द्वारा ये थर्ड पार्टी कस्टडी दी जा रही है। इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑटो सेटलमेंट्स रहने वाली हैं, डेलीगेटेड एसेट विड्रॉल्स रहने वाले हैं, और रिस्क क्या है, रिस्क थोड़ा कम हो जाता है इससे। तो अब हम ओवरऑल अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि टॉप एक्सचेंजेस में से एक अगर कोई है तो वो बाइनेंस ही है। बाकी एक्सचेंजेस की बात करें तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, कुछ ना कुछ हमेशा कमियाँ रहती हैं, जिस कारण बाइनेंस के बीएनबी के ऊपर हमारा हमेशा यहाँ पे नज़र रहती है कि शायद बीएनबी एक अच्छा प्रॉफिट देगा। एंड मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि बाइनेंस का जो बीएनबी है ये लॉन्ग टर्म में हमेशा हमें प्रॉफिट ही देने वाला है। जैसे कि लास्ट आप देख सकते हो 24 घंटे के अंदर इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 40% लगभग बढ़ा है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो वीआईपी क्लाइंट्स हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशनल एसेट्स हैं उनको बाइनेंस के द्वारा और भी ज़्यादा सिक्योरिटी दी जा रही है। अगर ऐसी कोई भी सर्विसेज देने वाले तो वो बाइनेंस ही दे रहे हैं। अगर बाइनेंस ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं तो धीरे धीरे क्लाइंट्स इसकी तरफ मूव करेंगे। लेकिन जैसे आपको कुछ अपडेट्स दिए हैं कि जैसे लिक्विडिटी पूल्स रिमूव किए जा रहे हैं, उसका कारण वही है कि लिक्विडिटी अगर कम होती है तो लिक्विडिटी पूल्स को रिमूव भी करना पड़ता है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक बिल्कुल सही टोकन, बिल्कुल सही कॉइन अगर चूज़ करना चाह रहे हैं जो एक्सचेंज बेस्ड हो, जिसमें एक फ्यूचर भी दिखता हो, तो वो बीएनबी ही है। क्योंकि अगर हम बाकी लिस्ट देखें तो यहाँ पे टॉप के ऊपर कौन सा है, बीटीसी, जो कि राइट नाउ शायद अनअफोर्डेबल भी हो सकता है। इथेरियम है, उसके बाद है यूएसडीटी, यूएसडीटी तो एक स्टेबल कॉइन है, उसके बाद है बीएनबी। यानी कि टॉप थ्री, आप मान लो कि टॉप थ्री में बीएनबी हमेशा रहा है। एंड आई बिलीव कि अभी भी इसकी वैल्यू अच्छी चल रही है। इस प्राइस पॉइंट पे अगर आपको बाय करने का मौका मिलता है तो कुछ ना कुछ बीएनबी ज़रूर बाय करें और अपने पास रखें, क्योंकि मार्केट जैसे रिकवर होगी यही बीएनबी आपको $500 तक का भी मिल सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।